मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाई है। साथ ही सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। दूसरा हमको जानकारी है, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ है देश। उन्होंने सारे देश में घूम करके 562 रियासतों एक सूत्र में पिरो करके भारतीय संविधान के भाई बहनों उसको सुनिश्चित किया। कहीं कोई विवाद नहीं होने दिया, लड़ाई झगड़े की तो बात ही दूर है। इसलिए उस लौह पुरुष के जन्मदिन पर आज हम यहां ये रन फॉर यूनिटी ये करने के लिए आए हैं। रन फॉर यूनिटी ये कार्यक्रम में आज लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर सब मिलकर के, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, सब इस समय ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की एक दौड़ कोई दौड़ नहीं है, ये संदेश है। ये संदेश है देश की एकता और अखंडता का। आज हम बाद में संकल्प भी लेंगे। हमारा देश बहुत कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। इस देश को तोड़ने की ताकत कोई नजर टेढ़ी नजर से देखे उसका मुकाबला करने के लिए उसकी आंखों में आंख डाल करके कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। देश की एकता को नहीं टूटने देंगे। मित्रों, भाइयों, बहनों, आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उस लौह पुरुष से कम नहीं है जिन्होंने इस देश की एकता को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में बैठी ताकतें उनको परास्त किया और धारा 370 और 35A को उसी प्रकार से समाप्त किया जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में किया था। इस भाव भावना को मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी अमरता को बनाए रखने के लिए और नरेंद्र भाई मोदी ने इतना बड़ा एक संदेश देने वाला एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर हमको मालूम ये बनाया है और उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ऐसा मैं तो सुन गया हूँ, देख के आया हूँ, देखते ही बनता है उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एकता की वो मूर्ति 240 मीटर ऊंची है वो मूर्ति, भाइयों बहनों।